संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सेलवास नजीक दादरा खाते शीतलनाथ दादा जैन दिरासन 51 मा ध्वजारोहण महोत्सव धामधूम पूर्वक उजवणी करवामां आवी हती। दादरा खाते आवेला जैन दिरासन 51 वर्ष पूरा थवाना उपलक्ष्य में योजायेल ध्वजारोहण कार्यक्रम में दिरासन शिखर पर ध्वजारोहण करने सौभाग्य अभय शाह जिगर शाह ने प्राप्त थयुं हतुं। महोत्सव निमित्ते ढोल नगाराની સાથે જૈન દિરાસર ઉપર ધ્વજા ચડાવવામાં આવી હતી, જ્યારે જૈન દિરાસરના શિખર ઉપર સોનાનું કળશ ચડાવવાનું સૌભાગ્ય નવસારીના એક જૈન શ્રદ્ધાળુને પ્રાપ્ત થયું હતું। દાદરા નગર ખાતે આવેલી શીતલનાથ દાદા જૈન દિરાસરના આશીર્વાદ સમગ્ર પ્રદેશ ઉપર હોવાને કારણે દાદરા ગામ અને નગર હવેલીમાં સુખ સમૃદ્ધિ હોવાનું જૈન સમાજના લોકોએ જણાવ્યું હતું। हमारे जो श्री देरासर जी है, इनका ये 51वां आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। एक्चुअली 50वां जो एक गोल्डन जुबली होता है वो लास्ट ईयर में हमने बहुत बड़े विशाल स्तर पर उसको मनाने का प्लानिंग किया था, पर लास्ट ईयर आपको पता है कोविड का पीक टाइम आ गया था, सेकंड वेव का, तो हम लोग वो टाइम पर इतना धूमधाम से नहीं मना सके, हमको सरकारी नियमों का पालन करना था। लेकिन इस साल फिर बाद में हमने उसको 51वीं जो ये स्थापना दिन है इसका देरासर जी का, उसका हमने बहुत ही भव्य रूप में उसको मनाने का निर्णय लिया। हमारे जो इधर मेन ट्रस्टी है, हमारे जैनों के बहुत कम घर हैं यहाँ पर, संख्या भी कम है, तो उनके जो ट्रस्टी है नटू भाई शाह, उनके मार्गदर्शन में, उनकी दिशा निर्देश में और उनके विजन से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम जैसा हुआ। और जो भी एक मिडल एज के ऊपर के यहाँ पर जो भी हमारे जैन लोग हैं, उनका एक अलग उत्साह था, क्योंकि अब शताब्दी महोत्सव जब इसका मनाएंगे 50 साल बाद, तब हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे लगभग, तो यह जो कार्यक्रम है वो सबने इस तरह से मनाने का सोचा कि वो जीवन भर और इस दुनिया से जाने के बाद भी वो हमारे साथ ही रहे, इस तरह का मनाने के लिए सोचा। और इसमें सब लोग पूरा संघ एक हो गया था नटू भाई की लीडरशिप में, और जो इस स्टाइल की जो ध्वजा थी वो अभय का जो परिवार है, अभय और जिगर शाह, उनके परिवार ने यह लाभ लिया था। पूरा दो साल उन्होंने कंटिन्यूस लिया, दोनों साल उन्होंने ही लिया, लास्ट ईयर वो हम लोग कार्यक्रम कर नहीं पाए, इसलिए इन्होंने ही इस बार भी इसको लिया। और 5 दिन का ये पूरा महोत्सव चला, 5 दिन चारों टाइम का खाना यहाँ पर रखा गया सबका, हमारा संघ का तो सही है, लेकिन जो हमारे आसपास के जो संघ है उनको भी पूरा आमंत्रण दिया गया था चारों चार टाइम का, गांव के भी काफ़ी जो लोग हैं वो आते थे यहाँ पर, तो 5 दिन यह भव्य कार्यक्रम चलता रहा। दूर दूर से गाने वाले भी आए, संगीतकार भी आए, बहुत जमकर भक्ति हुई, और आचार्य महाराज भी, जो हमारे आचार्य महाराज होते हैं उनकी निश्रा थी, साध्वी जी महाराज की निश्रा थी, और एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो शीतलनाथ दादा है, यह दादरा गांव में दो आधार स्तंभ है, शीतलनाथ देरासर और वहाँ भवानी माता मंदिर, और यह दोनों स्तंभ के आधार पर हमारा गांव आज खुशहाली में जी रहा है, हम ये कह सकते हैं। दोनों की बहुत बड़ी कृपा सभी के ऊपर, पूरे गाँव के ऊपर रहती है। पिछले 50 साल में ये गाँव ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जब 50 साल पहले यहाँ ज़मीनों का भाव 1 एकड़ 1000 रुपये में मिलती थी, आज 5-7 करोड़ रुपया है, तो आप सोच सकते हैं।